मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और ये वीडियो सायन के लोकमान तिलक अस्पताल का है, जहां कोरोना के मरीजों के मौत के बाद उसी वार्ड में एक तरफ बेड पर लाश रखी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ उसी वार्ड में मरीजों का इलाज भी हो रहा है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने इस अस्पताल को कोरोना मरीजों के मौत के बाद उसके शव को इस अस्पताल में रखने के लिए घोषित किया है, मगर इस तरह की लापरवाही कि एक ही वार्ड में एक तरफ कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है और दूसरी तरफ कोरोना से मरने वालों के शव रखे हुए हैं। क्या इसी तरह से देश में कोरोना रोकने की बात की जा रही है कि जिंदा आदमी का इलाज भी हो रहा है और उसी वार्ड में कोरोना से मरने वालों की लाश भी रखी हुई है? आखिर ये सबसे बड़ी लापरवाही नहीं है तो और क्या है? अरे सुनो, परमिट का मामला कुछ नहीं कर सकते। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।